AS1 में हम लोग सर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चेक कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ये चेक करेंगे जो जो पॉलिसी हम लोग अपना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको मुझे मेंशन करना होगा। और बताओ। और इस AS में और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? बताओ भाई, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस AS के अंदर? चलो भाई नेक्स्ट, इसका मतलब पढ़ के नहीं आए भाई कल वाला टॉपिक। पढ़ के आने के बाद AS1 में तो इतना स्लो स्लो या रुक रुक के बताने की बात ही नहीं है। पुनीत, अच्छे से क्लियर कर दो सारा, सब बच्चों को समझाओ AS1 क्या होता है। ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, ठीक है। और इस AS में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? हाँ, इनका क्या मतलब, ये तीन हमारे पास में फंडामेंटल अजम्पशन होती है, ये तो ठीक है, बट इनका मतलब क्या है? नेक्स्ट, हाँ, जहां इसने छोड़ा है टॉपिक वहीं से स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट, बेटा वो अगर पॉलिसी चेंज की बात है वो टॉपिक अलग है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है वो, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पर पहले फंडामेंटल अजम्पशन बता रहे हैं, तो फंडामेंटल के अंदर तो बस तुम्हें ये बताना भी ये तीन चीजें हैं, अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। अगर तुम इसका मीनिंग बता भी रहे हो तो भी तुम गलत बता रहे हो, वो तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी था। चलो भाई बचा हुआ सारा टॉपिक बता दो आर्यन। हाँ सचिन, थोड़ा तेज बोलो भाई, मतलब बता तुम सही रहे हो बट सुन नहीं रहा बच्चों को। हाँ और तेज बोलो। और आगे और क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर AS1 में? नेक्स्ट, मतलब आगे और कौन कौन से टॉपिक पेंडिंग है इस AS के अंदर? गलत गलत गलत, प्रूडेंस समझाओ मोहित, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है? बेटा अगर पहली लाइन गलत हो जाए ना उसके बाद फिर वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होता है, इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में रखो। अगर तुमने कंसेप्ट के अंदर पहली लाइन ही गलत कर दी उसके बाद वो तुम्हारा रीड आउट नहीं करेंगे क्वेश्चन, बिकॉज वहां से हिंट मिल गया, यहां तो प्रॉपरली गलत किया है, ठीक है। पुनीत, तुमने लगभग चीजें सही बताई थी, बीच में तुम गड़बड़ करे बैठो। चलो भाई भाई, AS1 सर यहाँ पर चीजें कवर करता है हमारे पास में, जो भी हमें यहाँ पर पॉलिसी वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताओ। वो कभी ये नहीं कहता भी ये करो वो करो, बट एक्चुअल में जो भी वर्क तुम कर रहे हो वो सारी चीजें मेंशन करो। बट अगर कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है तो वो ऑलवेज हम लोग क्या मान के चलते हैं, सभी कंपनियां फॉलो कर रही है। अगर कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही तो उसको स्पेसिफिकली
डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गोइंग कंसर्न का मतलब हम लोग को पता ही है कि हम लोग ये मान के चलते हैं हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा, एक बार जो हम लोगों ने मेथड वगैरह फॉलो कर लिया वो हम लोग ऑलवेज फॉलो करते रहेंगे। उसके बाद अगर तुम कहीं बताते हो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये ठीक है, बट पहले ये मत बताओ भाई। पहली लाइन हमारी ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम पहली लाइन में स्टार्टिंग कर दो भी सर अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, ये वाली बात बताएं, मतलब अगर तुम स्टार्टिंग यहां से कर दो और ये पॉइंट अगर मिस कर दो तो फिर इसका मीनिंग अलग ही हो जाता है। उसके बाद एक्रुअल के अंदर एक्रुअल कंसेप्ट, यू एक्रुअल कंसेप्ट क्या होता है? वे तो बहुत ही बढ़िया बात, खड़े रहो पूरे 2 घंटे, कल आए क्यों नहीं? तो फिर कितने बजे आए घर पे, 9 या 10 बजे? क्लास तो 1 ही घंटे की थी, ले लेते रात को। वैसे भी एक्रुअल तो +1 से आ रहा है, सेम रीजन, इसी के साथ गए थे। दोबारा बोलो बेटा, थोड़ा तेज बोलो। रिसिप्ट बेसिस पे उनको भी करेंगे, ड्यू होगा उनको भी करेंगे, क्या करेंगे? सही नहीं समझाया। एक ही लाइन में मतलब सारा टॉपिक ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ड्यू को भी ले लेंगे, रिसिप्ट को नहीं लेंगे, ठीक है। रिवर्स लैंग्वेज भी यूज कर दी, नेगेटिव लैंग्वेज हो गई, फिर भी चीजें कहीं से क्लियर हो ही नहीं पाई, मतलब मजा नहीं आया। और इसने एक लाइन में पूरा खत्म। भाई बेटा एक चीज का ध्यान रखना, सीए के किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर लेंथ बढ़ाने की कोशिश हमें करनी ही नहीं है, समझ गए? बिकॉज हमें लेंथ से मतलब नहीं है। उसी बात को मैं 3 लाइनों में घुमा फिरा कर अगर लिख रहा हूँ, उसकी बजाय चाहे तुम उसको हाफ लाइन में खत्म कर दो, भाई तुम्हें नंबर हाफ लाइन के ही मिलेंगे, उन बाकी जो 2.5 लाइन में तुमने लिखा उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए हमेशा इतना घुमाओ फिराओ मत, क्लियरली बताओ। उसके बाद भाई सिलेक्शन हम लोग कैसे करते थे? सर हमारे पास में 2 मेन फैक्टर होते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता था, ट्रू एंड फेयर व्यू आना चाहिए। सेकेंडरी के अंदर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है? कहने का मतलब लीगल फॉर्मेलिटी को हम लोग अवॉइड करेंगे और जो हमारी एक्चुअल सिचुएशन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। बेटा इसके अंदर ये है भी, जैसे मान लो भी एक्चुअल में जो तुम्हारे पास में इवेंट हो रहा है, एक्चुअल में जो भी तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है उसको यूज करो, ठीक है ना। लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो एक बार नहीं भी कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब पॉलिसियां वगैरह ऐसी यूज करो जो हमारे पास हर सिचुएशन में अप्लीकेबल हो सके। नेक्स्ट प्रूडेंस, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया। मैटरलिटी कंसेप्ट क्या होता है? हाँ तुम ही बताओ, थोड़ा तेज बोलो। क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आवाज निकलती नहीं है और ऐसे सही निकलती है। सुनाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट चलो, उसके बाद भाई रविंदर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? डिस्क्लोजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब क्या इसका?
चलो प्रेरणा बताओ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? थोड़ा आराम आराम से, और आवाज तुम्हारी थोड़ी सी और तेज करो, सब बच्चों को बताओ। चलो बैठो भाई। एक हमारे पास में चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग नोट करके रखना, भी अगर हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को कहीं पर भी मॉनेटरी टर्म के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उस फैक्ट को हम लोग जरूर मेंशन करके आएंगे कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी यहाँ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, चलो बेटा सभी बच्चे बैठो। भाई हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सर, अगर कोई यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो उस केस में तो हम लोग आंसर दे देंगे, जैसे भी हमें पैरा के अंदर या फिर हमें पॉइंट वगैरह बना के देने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान ये रखना अभी उसकी लेंथ कितनी रखनी है, पहले तो पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना है, देन हमारे पास में अगर उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल है तो वो डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन यहां पर आ रहा है केस स्टडी का, तो केस स्टडी वाले केस में क्या करोगे? चलो बेटा नोट्स तो है तुम्हारे पास, तो बस एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने दो। अगर हमारे पास कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आता है, तो केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं सर? तीन पार्ट में आंसर देते हैं। पहले पार्ट में हम लोग क्या क्या बताएंगे अमन? जब हमारे पास कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो पहले पार्ट में हम क्या बताएंगे? पहले पार्ट में प्रोविजन, कल क्लास नहीं लगाई, खड़े रहो बेटा। चलो अभी कौन बताएगा? हाँ यू, तुमसे पीछे, तुमसे तो पूछ लिया बेटा, तुम तो कहानियां अलापोगे। अगर हमारे पास में केस स्टडी का क्वेश्चन हो तो हम लोग आंसर को तीन पार्ट में लिख के आते हैं। आंसर हमारे पास में 4 नंबर या 5 नंबर की कवरेज देगा, तो चाहे 4 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो, हम लोग तो उसको 5 नंबर का ही मान के पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिख के आएंगे। पहले पार्ट में क्या क्या लिखेंगे? ठीक है, सबसे पहले नंबर लिखेंगे सर, हाफ नंबर का होगा वो। फिर सर उसका नेम लिखेंगे पूरा, जितना भी नेम होगा शॉर्टकट में यूज नहीं करना है, ठीक है, हाफ नंबर का वो होगा। फिर जो हमारे पास में क्वेश्चन में प्रॉब्लम गिवन है, केस स्टडी में जो प्रॉब्लम गिवन है उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है इस एएस में, वो वाला लिख देंगे। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट, कंप्लीट है बेटा। कंसेप्ट का मतलब ये है भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं या फिर किसी और चीज के बारे में पूछ रहे हैं? AS1 में तो बहुत सारी चीजें है ना, जैसे मान लो AS1 में पूछ लिया भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन यूज नहीं कर रहे, अप्लाई नहीं कर रहे, तो AS1 में रूल क्या है इसका? कभी भी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हें स्पेसिफिकली उसको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बोलोगे? ठीक है, जो गिवन पर्सन है, कंपनी है, फर्म है, जो भी है उसका नेम, देन जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां पर बताओ, क्वेश्चन था क्या? ठीक है, बट क्वेश्चन बताने का मतलब ये नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन 4 लाइनों में कॉपी पेस्ट कर दो। क्वेश्चन बताने का मतलब उनकी प्रॉब्लम क्या है वो तुम आधी लाइन में एक लाइन में बता दोगे। देन फिर सर उसका आंसर दो बेटा, कंक्लूजन तो थर्ड पार्ट में है, फिर तुम उसका आंसर दो। ठीक है ना, जो ऊपर हमने कंसेप्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग उससे लिंक बनाते हुए उसका आंसर दो। आंसर दे दिया, देन थर्ड पार्ट हमारे पास किसका आएगा? कंक्लूजन का आएगा। सर कंक्लूजन में बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हमें नहीं लिखनी, ठीक है ना, सिंपली मुझे उसको सोल्व करना है। चलो बेटा बैठो। नहीं क्लास क्यों नहीं लगाई?
चलो कोई नहीं बेटा, खड़े रहो। उसके बाद भाई, व्हाट इज मीन बाय अकाउंटिंग एस्टिमेट। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है इसका मतलब क्या है? देखो भाई, AS1 के अंदर इसको नहीं डाला गया, बट जब भी इंफॉर्मेशन आती है ना, ये AS1 में ही कवरेज देता है। समझ गए? कल हम लोग क्वेश्चन ही करवाए थे, ठीक है, किसी इमरजेंसी की वजह से मुझे जाना पड़ गया था बीच में। तो अब बेटा, अब पहले क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट, फिर तुम लोग अपने यहाँ पर डाउट पूछोगे। नहीं, वो तो शाम की बात है, जो स्टेटस पे लगा हुआ है वो तो बेटा शाम के 7 बजे गए थे। अमन बेटा आगे आ जाओ सेकंड बेंच के ऊपर। चलो भाई, व्हाट इज मीन बाय एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या होगा सर? अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब ये होगा किसी भी चीज का हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है सर, किस चीज का अनुमान लगा रहे हैं? जैसे मान लो भी तुम एक असेट खरीद के लेके आ रहे हो, एक असेट तुम खरीद के लेके आ, सीधे हो जाओ, सीधे मतलब सीधे, हाँ, बोर्ड की तरफ देखो ना, कुछ नहीं आ रहे ना, चक्कर आ रहे होते थे, इतना बोलना नहीं जाता तुमसे, बस खड़े रहो खड़े रहो। बताओ बेटा, अगर हम लोग किसी एसेट को परचेज कर रहे हैं और वो एसेट हमारे पास में जिसकी कॉस्ट आ रही है 10 लाख रुपीज, अब तुम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या एस्टिमेशन लगाओगे, क्या अनुमान लगाओगे? सर सबसे पहले तो हम इसकी लाइफ देखेंगे, ठीक है सर, हम ये भी देखेंगे कोई स्क्रैप वैल्यू आ रही है क्या, ठीक है, यही बात है ना। जैसे मान लो स्क्रैप वैल्यू मेरे पास में 1 लाख रुपए है और लाइफ है अगर इसकी 10 ईयर, और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एस्टिमेट क्या किया है, मेन एस्टिमेशन हमारा क्या हुआ, लाइफ का हुआ है। समझ गए? तो इस टाइप की कोई भी एस्टिमेशन होगी जो हमारे अकाउंट के किसी न किसी टॉपिक से रिलेट करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, कोई भी दो एग्जाम्पल बताओ। तो एक तो हो ही गया सर यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, या फिर इसी टाइप का एग्जाम्पल कोई और भी दे सकते हो। हम लोग अपनी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, तो वहां पर भी तुम्हें एस्टिमेट करना पड़ेगा ना, वहां पर भी तुम्हें अनुमान लगाना पड़ेगा। 1% है, 2% है, 3% है, 4% है, उसका अनुमान तुम्हें लगाना होगा। क्लियर? चलो बेटा, तो ये कोई केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल ही क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 ही नंबर में आएगा। मेथड का एस्टिमेट नहीं होता, मेथड तो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में आ जाएगा। समझ गए? उसके बाद भाई, बेटा एस्टिमेट्स के अंदर तो वो सारी चीजें आ गई, जैसे मान लो जहां पर भी तुम प्रोविजन बना रहे हो, ठीक है, जो प्रोविजन हमारे पास में किसी न किसी अनुमान पे डिपेंड कर रहा है, चाहे वो तुम ये बोल दो कंटीजेंसी के लिए हम लोग किसी कंटीजेंट लाइबिलिटी के लिए बना रहे हैं, या फिर फ्यूचर के लिए मुझे कोई यहाँ पर प्रोविजन बनाना है किसी भी पर्पज के लिए, तो वो सारे के सारे यही आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेंशन 6 एरिया इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आर फॉलोड। तो सर ये तो हम लोग स्टार्टिंग में कर ही चुके, वही टॉपिक रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द करेक्ट, विच वन इज द करेक्ट वन, ये तो कर लोगे। उसके बाद भाई, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द रेलिवेंट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। सर तो डिस्क्लोजर का मतलब तो हम लोग को पता है भी, जितनी पॉलिसियां वगैरह हैं, जितनी पॉलिसियां हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, सभी मुझे लिख के आनी है, एक ही जगह लिख के आनी है, अलग अलग जगह मुझे नहीं लिख के आनी। और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह तुम लिख के आ रहे हो, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होंगी। अगर किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज हो, तो उसको तुम स्पेशली लिख के आओगे चेंज का रीजन क्या है, ओल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी क्या थी, न्यू क्या थी, और चेंज होने से कितना इफेक्ट पड़ सकता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे। साथ में ये भी मेंशन कराना, चेंज का रीजन हो क्या सकता है, बाय लॉ चेंज हुआ हो, बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हमने चेंज किया है। ये सारी बातें ही यहाँ इंक्लूड कर देना, चाहे तुम्हारी इस क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन। उसके बाद भाई, डिस्क्लोजर में सर एक चीज ये भी आएगी, अगर हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे, तो मुझे उसका भी डिस्क्लोजर देना होगा। ये तो कर दोगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर प्रॉपर नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर प्रॉपर नहीं दिया हुआ। और एक चीज का ध्यान रखना भाई, ये जितने भी AS में तुम्हें आंसर मिलेंगे ना, वो एक्चुअल के अंदर मैंने चेंज नहीं किए हैं, मैंने कॉपी पेस्ट ही किए हैं। रीजन क्या है भी, तुम लोग अपने आप से आंसर लिखोगे, ठीक है ना, जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं भी, केस स्टडी का क्वेश्चन है, तो आंसर तुम्हें अपने आप से लिखने हैं, ठीक है, ये कॉपी के अंदर लिखे तुम लिख के तुम लोग मुझे दिखाओगे। बताओ भी, इसका आंसर कैसे लिखोगे, क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का? सर प्राइमरी कंसिडरेशन,
सेकेंडरी कंसिडरेशन, वो बातें तो लिखी नहीं है इन लोगों ने, तो वो मुझे लिखकर फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं है कहीं प्रूडेंस बता दिया, कहीं सब्सटेंस बता दिया, ऐसा नहीं है। पहले प्राइमरी कंसिडरेशन लिखो, देन सेकेंडरी लिखो, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा होगा। अच्छा अभी मुझे ये बताओ रविंदर, क्या ये केस स्टडी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, या फिर ये ऐसे ही कोई कंसेप्ट का क्वेश्चन है? ठीक है, केस स्टडी तो नहीं है बेटा इसके अंदर। अगर केस स्टडी हो तो हम लोग अपने वो तीन फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मर्जी से जो भी कंसेप्ट है पूरा का पूरा नोट डाउन कर दो। क्वेश्चन 7 में पूछा है तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, वो बताओ, तो बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। एक्स लिमिटेड सोल्ड इट्स बिल्डिंग टू मिनी लिमिटेड फॉर ₹60 लाख। एक्स लिमिटेड ने यहां पर अपनी एक बिल्डिंग को सेल कर दिया, कितने रुपए में भाई? 60 लाख रुपए में, ऑन 30 सितंबर 2014, 30 सितंबर 2014 को सेल कर दिया सर, 60 लाख रुपए में। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी दे दी मिनी लिमिटेड को, बट अभी जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो पेंडिंग है, लीगल फॉर्मेलिटी अभी पेंडिंग है, समझ गए? तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को तुमने सेल कर दिया सर, सेल कर दिया, कितने रुपए में सेल कर दिया? 60 लाख रुपीज में सेल कर दिया। ठीक है सर, कर दिया। अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी की डिलीवरी भी उनको कर दी, यानी कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने उनको राइट दे दिया, अब ये बिल्डिंग तुम्हारी है। ठीक है, अब देखो भाई, लीगल फॉर्मेलिटी अभी पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट वगैरह पेंडिंग है, रजिस्ट्री वगैरह पेंडिंग होगी या कोई और डॉक्यूमेंट वगैरह पेंडिंग होगी, वो पेंडिंग है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से कंपनी हैज नॉट रिकॉर्डेड द सेल एंड हैज शोन द अमाउंट रिसीव्ड एज एन एडवांस। इसकी वजह से कंपनी क्या कर रही है, इसको अभी तक सेल नहीं दिखा रही, और इसको कहां दिखा रही है, रिसीव्ड एज एन एडवांस। बताओ भाई क्या होना चाहिए, सेल दिखाना चाहिए या फिर एडवांस दिखाना चाहिए? बेटा वैसे देखो तो बात ये होती है, जब तक कोई भी चीजें कंप्लीट ना हो तो हमें उसको सेल नहीं मानना चाहिए, बट देखो यहां तो सिचुएशन दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। ठीक है, पैसे वैसे आ चुके, सारा काम हो चुका है, ठीक है, हम लोगों ने उनको राइट भी दे दिया, तो यहाँ तो इसका मतलब क्या है, एडवांस थोड़ी ना, वो तो हमारे पास में सेल हो चुकी है। अब देखो आगे, देखो क्वेश्चन और क्या बता रहे हैं। बुक वैल्यू कितनी आ रही है बिल्डिंग की? सर बुक वैल्यू आ रही है 25 लाख, और सेल कितने में की है? 60 लाख में। तो बेटा यहाँ पर तो प्रॉफिट भी आ गया, 35 लाख का प्रॉफिट भी आ गया यहाँ पर। तो 35 लाख के प्रॉफिट का मतलब क्या है, इस प्रॉफिट के ऊपर हमें टैक्स भी देना है, तो मुझे ये 35 लाख पूरे के पूरे शो करने होंगे। आप बताओ भी क्या करोगे, इसका आंसर कैसे दोगे? सर इसका आंसर हमें अपने अकॉर्डिंग देना है। कैसे देना है भाई? सबसे पहले ऐसा नहीं है वहां लिखोगे स्टेप 1 स्टेप 2, ऐसा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले लिख दोगे भी हमारे पास में ये जो टॉपिक चल रहा है AS1 का है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, जो ICAI के द्वारा इश्यू की गई है। ठीक है, इसमें हमारे पास में टॉपिक क्या होता है, जब भी कोई एक्चुअल सिचुएशन हमारी लीगल फॉर्मेलिटी से चेंज हो जाए तो वहां हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, बस इतनी बात बताओ, उसको वहीं छोड़ दो। अब तुम आ जाओ उसका आंसर देने के लिए सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे बताओ, एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग वगैरह सेल कर दी है 60 लाख रुपीज में, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 25 लाख रुपीज। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स की कुछ फॉर्मेलिटी हमारे पास में पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स लिमिटेड है इसको क्या मानना चाहिए, इसको सेल मानना चाहिए। एक्चुअल रियलिटी हमारी क्या है, सेल है। ये वाला आंसर दे दोगे? पहले तुमने एक लाइन में क्वेश्चन रिपीट कर दिया और एक डेढ़ लाइन के अंदर तुमने दे दिया आंसर। अब लास्ट में कंक्लूजन, इफ यू डू नॉट एग्री एक्सप्लेन द रीजन विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डू यू एग्री विद दिस ट्रीटमेंट? क्या ये लोग कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट से तुम एग्री हो रहे हो? नहीं, तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू AS1 जो ये ट्रीटमेंट इन लोगों ने किया है, किसने किया है, एक्स लिमिटेड वगैरह ने, ये सही नहीं है। ठीक है, बिकॉज इसको मुझे यहाँ पर सेल दिखाना चाहिए, बस इतना बोल दो, या फिर ये सही नहीं है इतना भी बोल दो कि डेट इज इनफ। समझ गए? ऑलवेज क्वेश्चन चाहे 4 नंबर का हो, हम लोग अपना आंसर 5 नंबर के अकॉर्डिंग दे के आएंगे। इसका आंसर हमें अपने तरीके से लिख के आना है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी। अब बेटा ध्यान से सुनना, एक तो होता है हमारे पास में
पॉलिसी चेंज करना, ठीक है ना। एक तो होता है हमारे पास में पॉलिसी चेंज करना, और एक क्या होता है एस्टिमेशन चेंज करना। क्या दोनों में फर्क है बताओ भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो ना। एक तो हम लोग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हम लोग लास्ट ईयर फॉलो कर रहे थे SLM, डेप्रिसिएशन का हमारा मेथड क्या था सर, स्ट्रेट लाइन मेथड था। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, WDV यूज कर रहे हैं। तो बताओ ये मेथड चेंज है, यानी कि पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है। मैं अगर ये कहूँ तो ये तो हो गई सर पॉलिसी चेंज, बट अगर मैं ये कह दूँ भाई अभी तक मुझे दिखाई दे रहा था हमारी एसेट 10 ईयर तक यूज होने वाली है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं ये एसेट 10 ईयर नहीं, मुझे तो लग रहा 9 ईयर में खत्म हो जाएगी। ये है एस्टिमेशन में चेंज। मेथड वेथड चेंज नहीं किया मैंने, एस्टिमेशन में चेंज किया है सर। आपका ना ये 10 से 9 करना हमारे हर साल के अकाउंट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। फिर मैं पूछूंगा इफेक्ट डालेगा, अच्छी बात है डाल रहा हो तो मुझे भी पता है। अब इफेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट आइटम है, यानी उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर या नॉर्मल है, मटेरियल इम्पैक्ट है या नहीं है। बेटा मटेरियल इम्पैक्ट है, पर्सन टू पर्सन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। एक कंपनी के अंदर लाख रुपए का प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी टर्नओवर 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे चल रही है, तो उनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। एक ऐसी कंपनी है जिनकी टर्नओवर ही यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 लाख है, अगर वहां पर 1 लाख रुपए का ऊपर नीचे कोई भी एस्टिमेशन हो जाता है उनको फर्क पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना तुम लोग को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम लोग रीड नहीं करेंगे, अभी और डिस्कस करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, दोनों में डिफरेंस हो गया। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हम लोग क्या बोलते हैं सर, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है तो पहली बात तो डिस्क्लोजर दो, ठीक है। ओल्ड पॉलिसी क्या है, न्यू पॉलिसी क्या है, चेंज का रीजन क्या है, और चेंज से इम्पैक्ट कितना आएगा, और चेंज किस किस रीजन से हो सकता है, बाय लॉ, बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। तो ठीक है सर, ये हम लोग बता देंगे। अब उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी अगर तुमने चेंज की, मेटेरियल इम्पैक्ट है तो तुम दिखाओगे, अगर मेटेरियल इम्पैक्ट नहीं है तो नहीं दिखाओगे। अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर चेंज होता है तो भी सेम बातें हैं, अगर मेटेरियल इम्पैक्ट है तो दिखाओगे, मेटेरियल इम्पैक्ट नहीं है तो नहीं दिखाओगे। ये बात क्लियर बेटा। अगर तुम्हारे पास डाटा दिया हुआ होता, ये कंपनी 1000 करोड़ की सेल कर रही है और 1 लाख रुपए ऊपर नीचे हो गए, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो तुम क्या मान के चलोगे सर, नॉर्मल है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। और वहीं मेरे अगर कहोगे सर 1 लाख चेंज हो गए, तो मैं कहूँगा यार बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना ये बात। तो इस चीज को मुझे कंसिडर करके चलना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, बट कहीं से ये चीज क्लियर नहीं हो रही भी एक्चुअल में वो 1 लाख रुपए इनके लिए वैल्यूएबल है या फिर इनके लिए नॉर्मल है। समझ गए। अगर ऐसा कुछ क्लियर ना हो तो तुम ये लाइन जरूर लिख के आओ, ये कंपनी टू कंपनी या बिजनेस टू बिजनेस पर्सन टू पर्सनस डिपेंड करेगा भी, कितनी अमाउंट किसके लिए मेटेरियल इम्पैक्ट डाल रही है और किसके लिए नहीं डाल रही। सेफ होने के लिए मुझे लाइन लिख के आनी है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। HIL लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक बेस्ड ऑन नो इश्यू हैविंग अकर्ड फॉर द लास्ट 12 मंथ अप टू 31 मार्च 2019। HIL लिमिटेड यहां पर प्रोविजन बना रही है फॉर नॉन मूविंग स्टॉक। नॉन मूविंग स्टॉक का मतलब पता है, नॉन मूविंग स्टॉक का मतलब ये हो गया बेटा जो अभी सेल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब स्टॉक पड़ा है हमारे पास काफी दिनों से, वो सेल नहीं हो रहा है, तो कंपनी वाले क्या कहते हैं इसके ऊपर एक प्रोविजन बना दें। प्रोविजन कैसे बना दें भाई, ठीक है। एक वैसे ही इन लोगों ने ना अपने माइंड में एक एस्टिमेशन किया गया। क्या एस्टिमेशन किया गया है, पिछले 12 महीने का डाटा चेक करेंगे, पिछले 12 महीने का हम लोग डाटा चेक करेंगे, ठीक है। और पिछले 12 महीने के डाटा के बेस पर हम लोग देखेंगे किस किस स्टॉक में हमारे पास नो इश्यू मतलब उसमें कोई भी हमारे पास में फॉल्ट वगैरह नहीं है, उसके बेस पर। बस एक एस्टिमेशन का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है, समझ गए। एस्टिमेशन का एक तरीका है, कोई टेक्निकल चीजें यूज नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्टॉक दिखाओ बताओ भी, अच्छा इसमें कोई इश्यू है इसको बैड डेट्स में डाल दो, इसमें कोई इश्यू नहीं है अच्छा इसको दिखाओ कितना पुराना हो गया, 6 महीने पुराना है, साल पुराना है, ये है। पर तुम्हें इनकी टेक्निक में, इनके एस्टिमेशन में नहीं जाना है, तुम्हें जस्ट ये देखना है क्या ये कोई पॉलिसी है, ये जस्ट एस्टिमेशन है। पॉलिसी क्या है, प्रोविजन चार्ज करना है। पॉलिसी क्या है, प्रोविजन चार्ज करना है, बट प्रोविजन बनाना कितना है ये क्या है, एस्टिमेशन है। तो एक एस्टिमेशन था, पिछले 12 महीने का डाटा चेक करो कहाँ कहाँ पर
कोई इश्यू नहीं आ रहा। कंपनी नाउ वांट्स टू मेक प्रोविजन बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन। अब कंपनी कह रही है हम लोग एस्टिमेशन करेंगे टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेस पर। तो बेटा अगर तुम एस्टिमेशन चेंज कर रहे हो, पहली बात तो ये क्वेश्चन हमारे पास में केस स्टडी का है, तो क्या करोगे सर? फिर हम लोग वही बताएंगे, AS1 की बातें हैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, देन हमारे पास हम लोग ये बोलेंगे अगर यहाँ क्या यूज हो रहा है, यहाँ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन यूज हो रहा है क्या? तो क्या यूज हो रहा है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहाँ क्या यूज हो रहा है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो उसके बारे में एक लाइन में, डेढ़ लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दो पहले पार्ट में। समझ गए? क्लियर? लिखोगे क्या? अकॉर्डिंग टू AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच इज इश्यूड बाई ICI। अब उसके आगे क्या मेंशन करना है भाई? सर अब उसके आगे हमें मेंशन करना है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर कोई भी चेंज आ रहा है, यानी कि अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर हम लोग कोई भी चेंज कर रहे हैं तो अगर उसका मेटेरियल इम्पैक्ट होगा तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। बस इतनी सी बात लिखनी है। अब आ जाओ बेटा सेकंड पार्ट में क्या लिखते हैं, कौन सी कंपनी है, क्या प्रॉब्लम है इनकी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है भाई? पहले नो इश्यू के बेस पर हम लोग क्या कर रहे थे? एस्टिमेशन कर रहे थे। अब हम लोग एस्टिमेशन किसके बेस पर कर रहे हैं? टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेस पर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, यहां से कुछ हिंट मिलेगा, यहां से कुछ हिंट मिलेगा। इस पर्सन के पास 120 लाख रुपए का स्टॉक है, 120 लाख रुपए का। प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन टेक्निकल, टेक्निकली अगर हम लोग करते हैं तो प्रोविजन कितना बनेगा? 3 लाख रुपए का। अगर हम लोग टेक्निकली करते हैं तो प्रोविजन कितना बनेगा? 3 लाख रुपए का। जब हम लोग पहले वाले पुराने बेस पर एस्टिमेशन करते थे नो इश्यू बेस पर तो कितना बन रहा था? 4 लाख रुपए का। सर 1 लाख का डिफरेंस है। पहली बात तो बेटा सेफ साइड होकर चलो, तुम ये जरूर लिख दो, ये कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर आंसर के अंदर क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट है या नहीं है? 120 लाख का स्टॉक है, 1 लाख अगर ऊपर नीचे होता है तो ज्यादा इम्पैक्ट वाली बात नहीं है। समझ गए? बट नोट के अंदर ये जरूर लिख के आना चाहिए। और ये हमारे पास में हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा किसके लिए मटेरियल है किसके लिए नहीं है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द लाइट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देखो बेटा ध्यान से देखना, डज दिस अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है सर, ये तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है। कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग? मेथड ऑफ अकाउंटिंग बताओ भाई, क्या कंपनी यहां पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग वगैरह चेंज कर सकती है? सर चेंज वेंज तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेटेरियल इंपैक्ट आएगा उसको मुझे मेंशन करना होगा। यहां अगर ये मान के चलता हूं 1 लाख रुपए इनके लिए मेटेरियल इंपैक्ट नहीं डाल रहा तो मैं इसको शो नहीं करूंगा। बेटा वैसे ना यहाँ तो 120 लाख रुपए का स्टॉक लिखा हुआ है, इसलिए तुम इसको मेटल इंपैक्ट ना मानो। ठीक है, ना मान के क्वेश्चन लिख दो, नीचे नोट में लिखाओ पीए अमाउंट जो 1 लाख रुपीज की है कुछ कंपनी के लिए इंपैक्ट डाल सकती है, यानी उनके लिए मेटल अमाउंट हो सकती है, कुछ के लिए नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा उनकी कैपेसिटी कैसी है। ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ बैलेंस शीट कहाँ बनवा रहे हैं भाई, जो बैलेंस शीट में दिखा दोगे इसका? यार बोला करो ना, क्लास चल रही है, इस टाइम क्या फोन होता है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तुम लोग खुद से करोगे, 11th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अच्छा क्वेश्चन 10 मुझे करवाना है, ये लो भाई मैं करवा देता हूँ। द ड्राफ्ट रिजल्ट ऑफ सूर्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 प्रिपेड ऑन हिथरटो फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी। सर ये कौन सी पॉलिसी हो गई? बेटा अगर ऐसी कोई भी पॉलिसी आ जाती है, ध्यान से सुनना, अगर ऐसे कोई भी वर्डिंग आ रहे हैं जो अभी तक तुम लोगों ने नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ AS1 कभी भी तुमसे कोई पॉलिसी का मतलब नहीं पूछेगा। AS1 क्या चाहता है? ये पॉलिसी यूज कर रहे हैं सर, हम इस पॉलिसी को नाम दे देते हैं ए पॉलिसी, कोई बात नहीं। समझ गए? वैसे मिक्सिंग वाली पॉलिसी होती है, ठीक है, बट हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। और इसको प्रेजेंट कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने, और क्या बता दिया गया अभी? 10 करोड़ की डेफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मिलकर डिसाइड कर रहे हैं ईयर एंड इन्वेंटरी जिसकी वर्क कॉस्ट 50 करोड़ है। कॉस्ट शीट वाला चैप्टर हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग में। चलो बेटा तो तुम लोग को पता है वर्क कॉस्ट क्या होती है, तुम लोग को पता है प्राइम कॉस्ट क्या होती है? चलो
पहले मेथड यूज कर रहे थे ये, और अब ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग मेथड फॉलो करेंगे क्या, वर्क कॉस्ट के बेस पर। समझ गए? अब हम लोग वैल्यूएशन किसके बेस पर करेंगे, वर्क कॉस्ट के बेस पे करेंगे। और पहले कैसे कर रहे थे, हिथर्टो फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है भाई। उसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट, कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, 30 करोड़। एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स। बेटा ये जो ड्राफ्ट द नोट्स वाली बात है ना, भाई ड्राफ्ट द नोट्स बनाओ, ये हमारा क्वेश्चन लॉ का है, समझ गए? तो सर आपने यहाँ क्यों डाला, बिकॉज ये अकाउंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे एएस के होंगे और वो लॉ का पार्ट होगा, बट वो हमारे अकाउंट में आ गया होगा, या अकाउंट का पार्ट होगा लॉ में आ गया होगा, तो उसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, एक आधा क्वेश्चन ही ऐसा होता है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं मिलती, समझ गए? लॉ का पार्ट है ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट के अंदर बताएंगे भी इन्वेंट्री को पहले हम लोग क्या करें। देखो ड्राफ्ट वाला पार्ट पहले देख लो, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इट एट ए प्राइम कॉस्ट। पहले प्राइम कॉस्ट पे दिखा रहे थे, अब हम लोग किसके बेस पे दिखा रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे दिखा रहे हैं। एज वॉज द प्रैक्टिस टिल लास्ट ईयर, दिस हैज बीन डन टू टेक, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, ऐसा क्यों किया है, ताकि हमारे पास में जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो जाए। इनका मेन टारगेट तो ये है ना बेटा, अगर तुम स्टॉक की वैल्यूएशन चेंज करते हो तो प्रॉफिट ऊपर नीचे होगा, नहीं होगा, होगा पक्का होगा, ठीक है। इनका मेन टारगेट क्या है भी, हम लोग यहाँ प्रोडक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा कैपिटल शो करें। एक्चुअल में कैपिटल तो उतनी होगी जितना तुम्हारे पास कैश है, बट लोग ज्यादा से तो ज्यादा यहाँ पर शो करना चाहते हैं। अब भाई उसके बाद में क्या करोगे बताओ, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन 3-4 लाइनों के अंदर मेंशन कर दो, ये तुम्हारा ड्राफ्ट का बन जाएगा पार्ट। बट ड्राफ्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे कहाँ कहाँ बनाएंगे, वो तुम्हें लॉ में बताया जाएगा, समझ गए? इतना पार्ट हमारा लॉ का है, बस ये बता दो इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। डिफरेंस तो 20 करोड़ का आएगा, पहले हम लोग कितने में दिखा रहे थे, 50 करोड़ में दिखा रहे थे, नहीं कितने में दिखा रहे थे भाई, पहले हम लोग कितने में दिखा रहे थे, कितने में दिखा रहे थे, और अब कितने में दिखा रहे हैं, कितने का डिफरेंस आएगा, 20 का आएगा। बेटा ये जो 20 करोड़ का डिफरेंस आएगा, ये तुमने पूरे के पूरे पैरे के अंदर मेंशन कर दिया। हमारा जो अकाउंट का पार्ट होगा वो क्या होगा, सर केस स्टडी का क्वेश्चन है, अकाउंट के पार्ट में क्या लिखोगे, अगर यही क्वेश्चन मान लो 5 नंबर का आ गया, तो भाई इतना वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये मुझे 5 नंबर के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना है, उसके बाद में ड्राफ्ट की बातें कर दूंगा मैं। और ये ध्यान रखना, ड्राफ्ट वाला टॉपिक हमारे लॉ का, इसमें आने के चांसेस बहुत कम है। बताओ भाई सबसे पहले क्या लिखोगे, AS1, देन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, रूल क्या है, रूल क्या है भाई, सर ये हमारे पास में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है, हो रही है ना। अगर सर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही है और अगर उसका मेटेरियल इम्पैक्ट आता है, मेटेरियल इम्पैक्ट आ रहा है सर, 20 करोड़ रुपए का है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको डिस्क्लोजर देंगे। ये बात तो हमने लिखी है किसके अंदर, फर्स्ट के अंदर, पर ये 20 करोड़ है, 30 करोड़ है, ये बातें हम लोग फर्स्ट अपने स्टेप में नहीं लिख रहे हैं, सेकेंड स्टेप में आके लिखेंगे। कौन सी कंपनी है, सूर्या लिमिटेड है, क्या चल रहा है, पहले कोई और पॉलिसी यूज कर रहे थे, अब ये लोग कुछ और यूज कर रहे हैं, 20 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा है जो मेटेरियल इम्पैक्ट को शो करता है, तो मुझे क्या करना होगा बताओ, मुझे इसको डिस्क्लोज करना होगा, यानी इस चेंज की वजह से जो हमारे प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, उस चीज को मुझे क्या करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। बेटा 4 नंबर का है तो भी वैसे ही करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारी बात ये रह गई, सर क्वेश्चन हमारे पास में 3 नंबर का आ गया या 2 नंबर का आ गया, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर 3 नंबर या 2 नंबर का आए ना बेटा, कंक्लूजन वाला पार्ट हटा दो और पहले और दूसरे पार्ट को भी कंबाइंड कर दो, खिचड़ी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जो नंबर मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं सर, पहला तो नेम मेंशन करने का, नंबरिंग मेंशन करने का, देन रूल बताने का, रूल क्या है, एक नंबर उसका मिल गया, उसी रूल का आंसर देने का, एक नंबर सेकंड पैरे में मिल गया, ठीक है ना, और सेकंड पैरे वैसे पूरा का पूरा 2 नंबर का होता है, तो मिला जुला के टोटल 5 नंबर मिलेंगे। अगर 4 नंबर का है तो भी तुम पूरा 5 नंबर का काम करके आओ, अगर 3 नंबर का है कंक्लूजन का पार्ट छोड़ दो और उन दोनों को तुम कंबाइंड कर दो, ठीक है ना। आंसर मुझे 3 पैरे में देना है, आंसर को मुझे ऐसी खिचड़ी बनाकर नहीं देना है, ठीक है ना, स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, बस लिखना नहीं है ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, समझ गए।
ट्वेल्थ क्वेश्चन बेटा ट्रू फॉल्स का है, ध्यान रखना जब भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आए पहले फॉल्स या ट्रू जो भी है वो मेंशन करो, उसके बाद में 2 या 3 लाइन के अंदर उसको खत्म कर दो। बट भाई ऐसा नहीं है कहीं फॉल्स लिख दिया और कहीं तुम लोगों ने स्टार्टिंग में फॉल्स या ट्रू लिखा ही नहीं, इस चीज को तुम अवॉइड करना, ठीक है बेटा। चलो अब एक बार इसके सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोग मुझे कल दिखाओगे, अभी कर रखे हैं, किसी बच्चे को दिखाने हैं तो दिखा दो, करके आए हो ना। ट्राई किए ना सारे क्वेश्चन, अब क्लियर हो गए। नोटबुक किए हैं क्या क्वेश्चन? बेटा वहीं बैठोगे? कितने किए हैं मोहित? चलो बेटा, अरे चलो कॉपी में नहीं किए बट एक्चुअल में ना रीड आउट करके आने चाहिए थे। अगर तुम लोग रीड आउट सारे करके आए हो ना तब जो आज मैंने समझाया वो समझ आया होगा, बट अगर तुम लोग रीड आउट भी नहीं करके आए तो आज जो करवाया है वो भी तुम्हें थोड़ा सा कम समझ आएगा। रीड आउट सभी करके आए हो? चलो अमन को छोड़कर बाकी सब करके आए। चलो बेटा ठीक है, AS2 करेंगे स्टार्ट, फिर GST का करेंगे, फिर छुट्टी। तुम फ्री हो? चलो बेटा AS2 स्टार्ट करने का टारगेट हमारा इस वजह से है बिकॉज बेटा AS2 अगर आज स्टार्ट हो गया ना तो कल हम इसको कर देंगे फिनिश, ठीक है ना। GST भी करेंगे, ठीक है, मुझे मेरे अकॉर्डिंग करवाने दो, सजेशन मत दो। बताओ भाई AS2 के अंदर आज हम लोग थोड़ा सा ही काम करेंगे, ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा काम करने के बाद थोड़े से क्वेश्चन दे दूंगा। 30 है, कंसेप्ट है ही नहीं। चलो बेटा उसके बाद में क्या करेंगे, इस AS2 को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और कल ही हमारा जो GST वाला चैप्टर अभी टैक्स इनवॉइस का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ फिर क्या करेंगे, बीच में 3 दिन की छुट्टियां होंगी, 3 दिन की छुट्टियां। तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, अब क्यों बोल रहे हो, अब कहां से आवाज निकल गई है? चाहिए एक और भी कॉपी है अगर किसी और को भी चाहिए तो। चलो बेटा AS2 बट इसमें ना लास्ट के कुछ जो डायग्राम है वो मिसिंग है, चलो बेटा AS2 करते हैं स्टार्ट। बीच में ब्रेक मिल गया, 2-4 मिनट बातें बातें मार ली तुम लोगों ने मेरे साथ, क्लास ओवर होने के बाद पूछना है, कैश ले लूं टाइम पास हो जाएगा, अभी कौन सा कैश ले लूं? ओ बोनस तो कल ले लिया, आज प्री पोस्ट का टेस्ट है। बेटा मैं मानता हूं तुम हमेशा सच बोलते हो, वो कड़वा होता है वो बात अलग है। मैं एक बार लाइव चल रहा हूं बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके बाद तुमसे बहस करेंगे, मतलब बात करेंगे। एक मिनट शांत हो जाओ, अब मुझे बताओ AS2 करवाऊं ना करवाऊं? अच्छा दूसरी बात, 3 बजे टेस्ट देना चाहोगे ना?
एक दिन सबको जाना है। तो तुम लोग कल नहीं आ रहे क्लास में? कल क्लास में नहीं आ रहे हो? बेटा एक चीज और बताऊं मैं तुम लोग को, अगर तुम लोग ऐसा कुछ करते हो ठीक है ना, और बिना सर को इन्फॉर्मेशन दिए नहीं आते हो, चुप रहे भाई, इधर बोलने दे ठीक है ना। दूसरी बात, तुम्हारी आवाज आंसर देते टाइम निकलती नहीं है, तो अब तुम्हारा बोलना इनवैलिड है। अच्छा सचिन, अच्छा, चलो बेटा फिर मैं ना, मुझे सिर्फ 10 मिनट का, 15 मिनट का पाठ करवाना है एएस का ठीक है, और मुझे बड़ी मुश्किल से 25 मिनट पढ़ाना है, 20 मिनट पढ़ाना है जीएसटी, 15 और 20 35, और 30 ही मिनट का टेस्ट है, सारे काम मैनेज हो जाएंगे। चलो भाई ये लो बेटा, अब हमारे पास में सेकंड जो एएस आएगा भाई, वो एएस किससे रिलेट करेगा? इन्वेंटरी वैल्यूएशन ठीक है बेटा, जो भी इसके अंदर नोटिंग वोटिंग कर रहे हैं साथ साथ में करते रहना ठीक है। देखो भाई ये तो अब एक ऐसा सिस्टम है, चलता ही रहेगा जब तक सीए पूरी ना हो जाए, गंदा मुंह भी बनेगा फिर भी मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, और हमें करना है, चाहे टीचर कितना भी तुम्हें टॉर्चर करे काम तो करना ही पड़ेगा बेटा। इन्वेंटरी वैल्यूएशन AS2, AS2 के अंदर हम लोग इन्वेंटरी वैल्यूएशन चेक करेंगे भाई, जहां मेरे पास में रॉ मेटेरियल की इंफॉर्मेशन भी होगी, WIP की भी होगी, और हमारे पास में फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन भी होगी। गलत बात है भाई, चलो AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विच प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS2 हमें क्या बताएगा भाई? AS2 सर हमें बताएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके रिगार्डिंग, जो भी इन्वेंट्री है हमारे पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसके रिगार्डिंग बताएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फॉर्मूला, हम लोग उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करें, यानी कि उसकी वैल्यू कैसे निकालें ठीक है ना। डेट आर यूज टू असाइन कॉस्ट टू इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करें कॉस्ट के अंदर, ये इंफॉर्मेशन भी कौन बताएगा मुझे? AS2। AS2 डिफाइन करता है इन्वेंट्री एज एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स, भाई जो तुम्हारा बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर जो भी तुम्हारे पास में असेट है, और असेट कैसे है? सेल करने के पर्पज से है ठीक है ना, डेली रूटीन का तुम्हारा बिजनेस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेंटरी। ऐसा नहीं है भी तुम्हारे ऑफिस के अंदर फर्नीचर है और वो पुराना हो गया, अगर तुम उसको सेल कर रहे हो तो क्या तुम उसको स्टॉक बोलोगे, क्या तुम उसको इन्वेंटरी बोलोगे? नहीं बोलेंगे सर। और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या फिर हमारे पास में प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है, जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर उस टाइम कोई मेरा मेटेरियल यूज हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेंटरी बोलेंगे। या फिर जब भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस वगैरह दे रहे हैं जो मुझे सेल करनी है, समझ गए? जब भी हम लोग किसी गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में जितना भी मटेरियल मेंटेनेंस के टाइम या फिर किसी और पर्पस से अगर यूज होता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलने वाले हैं भाई? वो सारी की सारी अमाउंट इन्वेंट्री में इंक्लूड हो जाएगी। रीड करते हैं दोबारा से। AS2 डिफाइन इन्वेंट्री एज एसेट्स हेल्ड फॉर, पहला फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स, सेल कर रहे हैं ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा भाई जो प्रोसेस में यूज हो रहा है, किस प्रोसेस में सर? प्रोडक्शन के लिए। तीसरा फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल, ठीक है ना, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई एंड कंज्यूमेबल्स। यहां तक रीड करो। यहां तक रीड करने का मतलब क्या सर? जब भी हम लोग गुड्स वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर सप्लाई कर रहे हैं सर्विस की, तो वहां कोई मेंटेनेंस के खर्चे हो गए या फिर कोई और कंज्यूमेबल गुड्स वगैरह हैं, अगर वहां कोई आइटम यूज हो गई तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेंटरी। अब देखना ध्यान से, अदर देन मशीनरी स्पेयर पार्ट्स सर्विसिंग इक्विपमेंट्स एंड स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स
मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स एसेट। जो एएस कौन से एएस में कवर है भाई? फिक्स एसेट्स कौन से एएस में कवर है? एएस 10 में कवर है सर, एएस 10 में कवर है, एएस 10 के अंदर कवर है। अब बेटा इन लोगों ने क्या बोल दिया, अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो किसी मशीन का स्पेयर पार्ट के तौर पर यूज हो रहा है, या फिर सर्विसिंग इक्विपमेंट के तौर पर यूज हो रहा है, या फिर स्टैंड बाई इक्विपमेंट के तौर पर यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सर हमारी फिक्स असेट है। अब ध्यान से सुनना एक छोटा सा टॉपिक जो हमारे एएस 10 में भी कवर होगा। ये लो बेटा, ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक मशीन है। इस मशीन को स्टार्ट करने का पॉइंट यहाँ है, इस मशीन को स्टार्ट करने का पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब तुम मशीन स्टार्ट करने के लिए क्या कर रहे हो? सर मशीन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर एक प्लास है सर हमारे पास, प्लास समझ गए, ठीक है। अगर तुम उसको यूज कर रहे हो, यहाँ से कोई नट बोल्ट तुम टाइट कर रहे हो या जो भी करना है उसके थ्रू तुमने कर दिया, अब उसको बताओ क्या वो रॉ मटेरियल है या उसको हम लोग फिनिश गुड्स का नाम दे, ठीक है। अमाउंट को छोड़ देना, एक बार अमाउंट का मैटर छोड़ देना, अमाउंट की बातें हम लोग करेंगे एएस 10 में। बेटा जब भी एएस करो बिल्कुल डीपली जाके करो, ताकि हमें फ्यूचर में उससे रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ये सीए फाइनल के अंदर भी सारी चीजें कवर होने वाली हैं, और सेम वे में ही मैं तुम्हें करवा रहा हूँ जो यहाँ पर कवरेज हो रही है, बस इसमें तुम्हें एडिशन करना होगा कुछ न्यू टॉपिक जो तुम फाइनल में जाओगे तब हो जाएंगे। बताओ भी, मैं इस मशीन को स्टार्ट करने के लिए प्लास यूज कर रहा हूँ सर, वो फिक्स एसेट है, क्लियर है ना। ऐसा तो नहीं है वन टाइम यूज होगी उसके बाद खत्म हो जाएगा वो, ठीक है, उस प्लास को हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, या फिर दो या तीन बार यूज कर लें उसके बाद यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। उसको तो हम लोग कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो क्या बोलोगे? फिक्स एसेट है सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से इसने जो भी नट बोल्ट वगैरह टाइट करने थे, लूज करने थे, वो कर दिया। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट को मुझे क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करवाना है। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक स्मॉल सी वायर, एक ऐसी वायर चाहिए जो मैं यहाँ से वो वायर डालूंगा, और जैसे ही वो वायर लोहे की होगी या हमारे पास में सिल्वर वगैरह की होगी, जो भी है, जो ये वायर जैसे ही अंदर जाकर इस पॉइंट को टच करेगी तब मशीन स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये वायर क्या है, फिक्स एसेट है या इन्वेंट्री है? बेटा एक बार जो बच्चे इस वायर को इन्वेंट्री बोल रहे हैं, एक बार वो हैंड रेज करो, इन्वेंट्री वाले, फिर फिक्स एसेट वालों को करवाऊंगा। बताओ बेटा, एक बार तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बाद में देंगे। क्या इसको मुझे फिक्स एसेट मानना चाहिए या मुझे इसको इन्वेंट्री मानना चाहिए? जो बच्चे इसको इन्वेंट्री मान रहे हैं, एक बार हैंड रेज करो, बस। और जो बच्चे इसको फिक्स एसेट मान रहे हैं वो हैंड रेज करो, और बाकी वाले, सर हम न्यूट्रल है, हम किसी काम के नहीं है, हम ना इधर जाते ना हम इधर जाते। बेटा थोड़ी देर ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब ये ना ऐसे अजीब सा रिएक्शन दे रही है। बेटा एग्जांपल ये कह रहा हूं मैं, भी मेरे पास एक मशीन है, ठीक है ना, उस मशीन को स्टार्ट करने के लिए। वैसे बेटा तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो मुझे टॉपिक करवाना है तुमने वही पूछा है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हारे माइंड में आते हैं तो इट मीन्स तुम कहीं ना कहीं चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। क्वेश्चन ये था भाई, इस मशीन को स्टार्ट करवाना है, मशीन को स्टार्ट करवाने के लिए एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट बिल्कुल यहाँ है लास्ट पे, इस पॉइंट को मुझे टच करवाना है किसी वायर के थ्रू, ठीक है, टच करवाते स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे इस वायर को हम लोग यहाँ पर अंदर डाल रहे हैं और इसको टच करवाया, ये स्टार्ट हो गई मशीन। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये वायर इन्वेंट्री का पार्ट है या फिर फिक्स एसेट का पार्ट है? तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, सर क्या ये वायर दोबारा यूज होगी, क्या ये वायर दोबारा यूज होगी? अब मेरा आंसर है, ये वायर दोबारा यूज नहीं होगी, बिल्कुल पतली सी वायर थी, जैसे ही यहाँ पर टच हुई मशीन स्टार्ट हो गई, वायर हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। क्या ये इन्वेंट्री का पार्ट है या फिक्स एसेट का पार्ट है? इन्वेंट्री का पार्ट है। तो भाई बहुत अच्छा पूछा था तुमने। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोलता हूँ भी ये वायर ऐसी है जो हमारे पास में यूज हो जाएगी 1 ईयर तक, ठीक है, 1 से ज्यादा टाइम के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स एसेट का पार्ट है। अब बेटा यहाँ तो जस्ट हम लोग इतना ही रीड करेंगे इसके बारे में, यही सेम एग्जाम्पल हम लोग एएस 10 में पढ़ेंगे। वहां फिर मुझे ये भी देखना है, सर ये वायर ना 10 बार यूज हो सकती है, अब क्या बोले इसको?
10 बार का मतलब बेटा फिक्स एसेट के लिए कंडीशन होनी जरूरी है ना, 1 ईयर से ज्यादा। ठीक है, फिक्स एसेट के लिए कंडीशन होनी जरूरी है 1 ईयर से ज्यादा। ये 10 टाइम यूज हो रही है, ठीक है, वो सर कितने टाइम में होगा, यानी कि एक टाइम की प्रोसेस कितनी होगी, ये सारी चीजें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फिक्स एसेट वाले एएस के अंदर। अभी के लिए बस तुम क्या यूज करो, इन्वेंट्री का पार्ट कब मानोगे, जब वो 1 टाइम यूज होकर या फिर स्मॉल पीरियड यूज होकर खत्म हो जाए, समझ गए? तो उसको हम लोग किसका पार्ट मान के चलेंगे, इन्वेंट्री का। चलो भाई, अभी तक हमने क्या सीखा सर? कुछ भी नहीं सीखा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशन हम लोग को कैसे करनी है, इवन चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो WIP हो, चाहे वो हमारे पास में फिनिश गुड्स हो। सर यहाँ पर हम लोग उन उनको लेके चलते हैं जो ऑर्डनरी कोर्स के अंदर सेल के लिए अवेलेबल स्टॉक है, या फिर प्रोडक्शन में काम आता है, या फिर सर प्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, बट ये ध्यान रखना ऐसे कोई भी इक्विपमेंट नहीं होने चाहिए जो AIS 10 के अंदर कवर हो रहे हैं। सर AIS 10 के अंदर कौन से कवर होंगे, मैंने ये वायर डाली और ये वायर 1 ईयर से ज्यादा पीरियड के लिए यूज होती रहेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये AIS 10 की डेफिनेशन में जाएगा। ठीक है, AIS 10 में क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स असेट। जो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है गुड्स, ठीक है ना, जो प्रोडक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं हम लोग उनको भी लेकर चलेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं हम उनको भी लेकर चलेंगे, समझ गए? चलो बेटा, बस 5 मिनट और, उसके बाद अकाउंट से तुम लोग फ्री। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS2, AS2 से कौन कौन सी चीजें बाहर हैं, AS2 से कौन कौन सी चीजें बाहर हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में AS 7 अप्लीकेबल होता है, तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या अप्लीकेबल होता है, AS 7, तो इसका मतलब ये AS 7 के अंदर जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट डेट इज कॉस्ट ऑफ पार्ट कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग डायरेक्टली रिलेटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बींग कवर्ड अंडर AS 7। अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेंट्री हेल्ड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, सीमेंट लाइंग एट द साइट शुड हाउएवर बी कवर्ड बाय AS 2। अब देखो बेटा, ये वाली बात दोबारा रिपीट हो गई, अगर कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसा मटेरियल रखा गया है जो प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी भी वर्क के लिए यूज हो रहा है, और भाई वो 1 टाइम के लिए यूज हो रहा है, स्मॉल टाइम के लिए यूज हो रहा है, तो उसको कहाँ कवर कर लेते हैं, AS 2 में कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली बातें और अच्छे से क्लियर होंगी जब हम लोग AS 10 करेंगे, क्लियर? इसके बाद हम लोग AS 10 के ऊपर ही जाएंगे, बीच में एक चैप्टर करना हमें डिपार्टमेंट वाला, उसके बाद हम लोग AS 10 पे जाएंगे। जितने भी शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने स्टॉक के तौर पर अपने पास रखा है, इसके लिए क्या अप्लीकेबल होगा, कौन सा AS आएगा, शेयर डिबेंचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कौन सा AS आएगा, AS, हाँ भाई 15, पता ही नहीं सर, हम तो वैसे बैठे हैं चुपचाप, कल नहीं आए थे? हाँ भाई 13 होगा सर इसका, 13 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की बातें हैं। ठीक है, अगर बेटा कोई भी लाइव स्टॉक है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, मिनरल ऑयल्स हैं, ठीक है, गैस वगैरह हैं, तो इसको भी हम लोग AS 2 में कवर नहीं करते बेटा। इसके ऊपर हमारे पास में एक इंडियन AS आया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बाद में, ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखो भी, इसको भी हम लोग AS 2 में कवर नहीं करते। लाइव स्टॉक को तो वैसे करने का मतलब नहीं है, लाइव स्टॉक को तो वैसे भी तुम AS 2 में कैसे कवर करोगे, AS 2 में तब कवर करो जब तुम्हारा काम है खरीदना बेचना, ठीक है ना। अब बेटा एक बार देखना, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, इनको हम लोग कहाँ लेके जाएं, AS 2 में या 10 में? अगर ये AS 10 की डेफिनेशन की क्राइटेरिया जो भी है अगर उसको फुलफिल कर रहे हैं तो तुम कहाँ लेके जाओ, सर हम इसको लेके जाएंगे AS 10 में, और हम इसको क्या मान के चलेंगे, फिक्स असेट। बट अगर ये क्राइटेरिया को अगर पूरा नहीं करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है, तुम इसको मान लो इन्वेंट्री, कहाँ पर, AS 2 में, क्लियर? चलो बेटा टॉपिक खत्म होने वाला है, AS खत्म होने वाला है, जल्दी से ध्यान दो अच्छे से। सर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, रॉ मेटेरियल की वैल्यूएशन करनी है,
कैसे करें? रॉ मेटल की वैल्यूएशन ऑलवेज मुझे कोस्ट पे करनी है। बेटा ध्यान से देखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से हमारा एग्जाम की कोई ना कोई एग्जाम का क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएगा। बताओ भाई, रॉ मेटल किसके ऊपर शो करेंगे? एट कोस्ट। ब्रैकेट में क्या लिखा है? इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबो कोस्ट। जो फिनिश गुड्स है अगर हम लोग सेल कर रहे हैं एट और अबो कोस्ट, एट कोस्ट पर या कोस्ट से ऊपर पर सेल कर रहे हैं, तो मुझे कहाँ दिखाना है? एट कोस्ट पे दिखाना है। अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट कोस्ट। सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? बेटा यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग को नोटिंग करनी है, ठीक है? देखो क्या लिख रहा हूँ। एक रॉ मेटल खरीदा है मैंने 3 रुपए पर यूनिट में। एक रॉ मेटल खरीदा है मैंने 3 रुपए पर यूनिट में, ठीक है भाई? इसके ऊपर ना खर्चे वर्चे लग गए, कन्वर्जन कॉस्ट बोल दो, यानी कि फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करने के इसके खर्चे लग गए। सर कितने रुपए लग गए? बेटा 7 रुपए लग गए। तो मुझे बता दो, जो फिनिश गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर 10 रुपए पर यूनिट आनी चाहिए थी। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर है भाई? मैंने एक रॉ मेटल खरीदा 3 रुपए लगे एक यूनिट के, उस रॉ मेटल को मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, 7 रुपए और लग गए। अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 10 रुपए। अब मैं ये कह रहा हूं भी सारा रॉ मेटल यूज नहीं हुआ है, कुछ रॉ मेटल मेरे पास बचा हुआ है, कुछ रॉ मेटल मेरे पास बचा हुआ है। अब बताओ क्या करें? क्या करें भाई? सर एक बात ये देखो, जो आपने बनाया है ना, जो आपने इस रॉ मेटेरियल को यूज करते हुए जो प्रोडक्ट बनाया है, वो अब कितने में बिकेगा? ठीक है बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कितने में बिकेगा? अगर ये बिकेगा 10 रुपए में या 10 से ज्यादा में, अगर ये 10 रुपए में या 10 से ज्यादा में बिकेगा, तो मैं रॉ मेटेरियल की वैल्यूएशन कितने में करूंगा? अगर फिनिश गुड्स हमारे पास बिक रहा है 10 रुपीज या फिर 10 से ज्यादा में, तो मैं यहां पर रॉ मेटेरियल की वैल्यूएशन क्या करूंगा? रॉ मेटल की वैल्यूएशन करूंगा 3 रुपए। 10 कहां से आ जाएगा बेटा? 3 रुपए, ठीक है? मैं कितने में करूंगा यहां पर वैल्यूएशन? 3 रुपए। नोटिंग नहीं कर रहे हो? अमन तुम्हारे नोट्स कहां है? ये नोट्स पीजी में रह गए। बताओ भाई यहां तक बात क्लियर? अगर मैं ये कह रहा हूं जिस रॉ मेटल को यूज करके तुमने गुड्स बनाई है भाई, वो तो 10 रुपए से कम में बिक रही है, वो तो 10 रुपए से कम में बिक रही है, तो अब क्या करें? अब रॉ मेटल की वैल्यू तुम्हें 3 रुपए नहीं दिखानी है। अब तुम्हें रॉ मेटल की वैल्यू किसके ऊपर दिखानी है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू बोल दो, या उसको तुम बोल दो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट? सर ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकालें भाई? अब तुम बताओ फिनिश गुड्स कितने में सेल होगी? तुम मुझे बता रहे हो सर फिनिश गुड्स सेल होगी 9 रुपए में। तुम मुझे बता रहे हो सर फिनिश गुड्स सेल होगी 9 रुपए में। 9 रुपए में सेल होगी? तो भाई 9 रुपए में से कन्वर्जन एक्सपेंसेस कर दो माइनस, यानी ऐसे खर्चे जो फिनिश गुड्स बनाने में लगे हैं, कितने रुपए लगे हैं? कितने रुपए में लगे हैं? 7 रुपए। इसका मतलब यहां से रॉ मेटेरियल की वैल्यू कितनी बचेगी? सिर्फ 2 रुपए। क्या ये बात माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई? बताओ बेटा ये वाली बात किस साइड? बेटा कहाँ? वो ऊपर, वो कोस्ट है भाई। वो तो स्टार्टिंग में जब मैंने एग्जांपल लिखा तो वहां पर वो उसकी कोस्ट है। यहां तक बात क्लियर? अगर कोई रॉ मेटल है मेरे पास, उस रॉ मेटल को यूज करके अगर मैंने फिनिश गुड्स बना ली, अब फिनिश गुड्स की जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई है, अगर उससे ऊपर पे भी के सामान, तो तुम क्या करो, रॉ मेटल की वही प्राइस दिखा दो जिसमें तुमने खरीदा था। बट अगर तुम ये कह दो सर ऊपर पे नहीं नीचे में बिकेगा, तो उस केस में क्या करोगे? फिनिश गुड्स की वैल्यू में से जो भी बनाने का खर्चा था वो कर दो माइनस, तब तुम्हारे पास क्या बचेगा? सर अब हमारे पास 2 रुपए की अमाउंट बचेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे नेट रिलाइजेबल वैल्यू या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रॉ मेटेरियल की वैल्यू है ये बेटा। फिनिश गुड्स 6 में बिके तो उस केस में रॉ मेटेरियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है? नेगेटिव में तो दिखाएंगे नहीं, ठीक है? हमारे पास एक स्टॉक है, इसको बेचने की मुझे -1 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है? बताओ बेटा, अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझे 1 रुपया साथ में देना पड़ेगा, ठीक है? मैं कहूंगा ये बेटा ये ले जाओ, ठीक है? तो तुम साथ में ये भी कहोगे 1 रुपया भी दो सर, तो
तो मैं इसको बेचूंगा ही क्यों, समझ गए मेरी बात, मैं फेंक ही दूंगा, चलो छोड़ो ठीक है, इसको मुझे तुम्हें देना है, साथ में तुम मुझसे 1 रुपए की डिमांड करोगे एज ए कस्टमर, तो मैं क्यों बेचूंगा, तो माइनस में आएगा नहीं। बट बेटा ऐसे वाले केस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, तुम्हारी बात सही है, जीरो नहीं आनी चाहिए, ऐसे वाले केस भी बहुत कम मिलते हैं जहां पर वैल्यू जीरो हो, समझ गए। तुम खुद ही सोचो, अगर कोई प्रोडक्ट जिसके प्रोसेसिंग चार्जेस 7 रुपीज हैं, ठीक है, और मटेरियल के हमने 3 रुपए पे किए हैं, तो अगर मटेरियल के तुम 3 रुपए पे कर रहे हो, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 10, क्या पता मटेरियल सस्ता हो गया हो, 10 की बजाय 9 का हो जाए, ठीक है ना, सॉरी 3 की बजाय 2 का हो जाए, 2.5 का हो जाए, 1.5 रुपए का हो जाए, बट ये तो नहीं है 0 रुपए का रॉ मटेरियल हो जाएगा, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो 6 रुपए का होगा ऐसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं है, क्लियर। चलो भाई रॉ मटेरियल की बात खत्म हो गई, अब आ जाओ एक बार WIP और फिनिश गुड्स, ये लो बेटा थोड़ा सा ना यहाँ पर एक प्लस का साइन रह गया, ये तुम लोग लगा लो। WIP हो या फिनिश गुड्स हो, इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट निकालनी हमें आती है सर, कॉस्ट के बारे में ये लोग कुछ फॉर्मूले वगैरह और भी बताएंगे। नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब जो हमारी सेल वैल्यू है, जो हमारी सेल वैल्यू है उसमें से कोई एक्सपेंसेस वगैरह हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ निकाले हैं तो उसको कर दो माइनस, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग देखेंगे, क्लियर। चलो बेटा इसको स्टॉप करते हैं, यानी अब तुम्हें यहाँ से थ्योरी का पार्ट वार्ट एक बार नहीं पढ़ना, एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, फिर स्टॉप करते हैं बस। द कंपनी डील इन 3 प्रोडक्ट ए बी एंड सी विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स अकाउंट फॉर द ईयर 2010-11। द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू वो कितनी आ रही है, हमारे पास में दोनों चीजें बता रखी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है भाई, 40, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 28। बताओ अभी इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 28 आनी चाहिए सर, ये बात क्लियर। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू दोनों सेम है सर, किसी को भी लिख दो। उसके बाद में भाई कॉस्ट है 16 और नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 24, 16 टोटल कर लोगे जितना भी आएगा। तो बेटा हमेशा ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल को कंपेयर करना है, इंडिविजुअल को कंपेयर करना है, ऐसा नहीं इसको और इसको आपस में कंपेयर कर लो, ऐसा नहीं करना है, समझ गए। टोटल को कंपेयर नहीं करना है, ऑलवेज मुझे कंपेयर किसको करना है, इंडिविजुअल को कंपेयर करना है, ऑलवेज मुझे कंपेयर करना आइटम टू आइटम, यानी कि टोटल को मुझे कंपेयर नहीं करना है, समझ गए मेरी बात। सेम क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है, नहीं, सेकंड चेंज है बेटा, सेकंड के ऊपर आओ एक बार। ऑन 31 मार्च 2013, ऑन 31 मार्च 2013 ए बिजनेस फर्म फाइंड दैट कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश्ड यूनिट्स, यानी कि सर ये WIP की बात कर रहे हैं ना, WIP की बात सर, यहाँ पर WIP की वैल्यू जो अभी तक खर्चा वर्चा लगा है ना उसके हिसाब से 530 रुपए की वैल्यू है। बेटा ध्यान से देखना, एक ये क्वेश्चन करते हैं हमारा चैप्टर AS2 का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास में 530 रुपए की अमाउंट अभी तक लगी है सर, खर्चा कितना लगा है, 530 रुपए का। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड इन 2013-14 बाय एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹310। अगर इसी के अंदर मैं यहाँ पर 310 रुपए और लगा दूं तो मेरी ये यूनिट बनकर हो जाएगी तैयार, कितने रुपए लगेंगे टोटल, 840। अब बताओ भी, रॉ मेटल हो फिनिश गुड, सॉरी रॉ मेटल हो WIP हो, लगभग चीजें सेम सेम तीनों में रिपीट हो रही हैं। अब तुम ये देखो ये वाला स्टॉक कितने में बिक रहा है, अगर ये स्टॉक 840 या 840 से ऊपर में बिके तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे सर, जो भी आपके पास अभी तक कच्चा पक्का बना हुआ सामान है उसको 530 का दिखा दो, समझ गए सर। हालांकि आपने तो ओनली रॉ मेटेरियल की बात बोली थी, अब आप WIP को भी उसी में डाल रहे हो, टॉपिक सेम सेम है, कुछ अलग नहीं। एक बार क्वेश्चन पूरा करते हैं फिर हम लोग इस कंसेप्ट को दोबारा करेंगे। फिनिश यूनिट्स को हम लोग सेल कर सकते हैं 750 रुपये में, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज। अरे भाई ये तो 750 में भी नहीं बिकेगा, 750 में से भी 4% माइनस हो जाएंगे, तो ये तो बिकेगा 730 में, निकाल रखा होगा बेटा, 720 में, सॉरी 720 में,
ठीक है, 720 में बिकेगा, और हमारा तो अभी खर्चा वर्चा कितना आ जाएगा, टोटल 840। तो अब क्या करें, रिवर्स चलो, यानी तुम यहाँ पर जो भी सामान तुम्हारे पास बना हुआ है ना, उसकी कॉस्ट निकालने की कोशिश करो। 720 में से जो अभी वाले खर्चे और आएंगे वो माइनस करो, कितने खर्चे हैं, 310 रुपये। तो जो सामान तुम्हारे पास अभी पड़ा है ना, उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू, उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 410 आ जाएगी। उसका खर्चा कितना हुआ, 530। तो मैं किसके ऊपर शो करूं, 410 के ऊपर। ये बात क्लियर? चलो बेटा एक बार दोबारा, एक सेकंड, एक मिनट बेटा, उस पेज के ऊपर दोबारा से आओ जहां हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ कुछ लिखा था, कुछ काम किया था। बता दो भाई, ये रहा ये रहा ये रहा, रॉ मेटेरियल की वैल्यूएशन करनी है। कैसे करनी है, एट कॉस्ट। अगर इससे बना हुआ फिनिश गुड्स एट कॉस्ट या उससे ऊपर पे बिक रहा है, तो रॉ मेटेरियल की वैल्यू कैसे करनी है, एट कॉस्ट करनी है, बात खत्म। अगर सर कम पे बिक रहा है फिनिश गुड्स, तो हमें किसके ऊपर करना है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करना है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को मैंने नाम और क्या दिया है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू दिया है ना नाम। नेट रिलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे कैसे सर, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से खर्चों को कर देंगे माइनस, नेट रिलाइजेबल वैल्यू आ गई। WIP और फिनिश गुड्स दोनों के लिए रूल सेम है, क्या चेक करो, कोस्ट। सर कोस्ट तो हमें दी हुई है 530 रुपये, दी हुई है ना। दूसरा निकालो नेट रिलाइजेबल वैल्यू, नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब यही सर, यही जो अभी अभी निकाला था सर, ये रहा, यहाँ निकाला था हमने, समझ गए। इसलिए तुम्हें लग रहा है सर दोनों चीजें सेम सेम है, समझ गए मेरी बात। इसलिए हमें क्या लगेगा सर, WIP में भी वही है, रॉ मेटेरियल में भी वही है, चेंज क्या है, चेंज ज्यादा कुछ है नहीं, बट AS को ऐसे डिजाइन किया गया है, रॉ मेटेरियल की वैल्यूएशन अलग करो, WIP और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन अलग करो, ठीक है। अब आओ दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर। सर यहाँ पर जो स्टॉक हमारे पास में कुछ कुछ बना हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 530, ठीक है। तो कॉस्ट तो आ गई 530 रुपये, नेट एलिजिबल वैल्यू निकालो, नेट एलिजिबल वैल्यू कितने में बिक सकता है अभी के अभी, सर ये अभी के अभी बिक सकता है 410 रुपये में। ये जो जितना बना हुआ स्टॉक है ना, वो कितने में बिक सकता है भाई, इसके ऊपर तो अभी मुझे 320 रुपये खर्च करने हैं, इसके ऊपर तो मुझे 4% की ब्रोकरेज भी देनी है। 750 में ऐसे नहीं बिकेगा, 750 में से 4% ब्रोकरेज के माइनस करो, और उसके बाद में 310 रुपये जो हमारी और कॉस्ट लगने वाली है वो भी माइनस करो। तो इसका मतलब अभी की अभी जो ये कच्चा पक्का सामान तुमने बना रखा है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कितने में बिक सकता है, 410 में बिक सकता है सर। तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। जो हम लोग रॉ मेटेरियल के केस में रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाल रहे हैं, बिल्कुल सेम हमारी नेट रिलाइजेबल वैल्यू होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बताओ अभी हम लोग वैल्यूएशन किसके ऊपर करें, 530 या 410, 410 में। सेम क्वेश्चन बेटा तुम्हारा थर्ड है, सर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कुछ अलग है क्या, नहीं। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, बस बेटा बस, ज्यादा मत करके आना, ठीक है ना, कल होली भी है। हाँ ओनली 8th। होली तो है ना कल, वन से एट तक क्वेश्चन कल करके लाओगे कंप्लीट, और बेटा नाइन से लेकर आगे वाले हम लोग कल अपनी ऑनलाइन वाली क्लास में कर लेंगे कंप्लीट। ऑनलाइन चलेगी, अच्छा तुम लोग आओगे, बहुत अच्छी बात, वैरायटी वाले बच्चे। चलो बेटा कोई डाउट है भाई, कोई डाउट नहीं है सर, आप चले जाओ, बस यही चाहते हो। बेटा ये वाला काम कंप्लीट करके आना, बिकॉज AS जितना भी कंटेंट हम लोग कर रहे हैं उसके टेस्ट हम लोग मल्टीपल लेंगे, बट हम लोग अब इसको रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट जो करेंगे ना, जो हमारे अकाउंट्स के बड़े वाले चैप्टर आएंगे उनको रिपीट करेंगे। हेलो,